आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। आज पंडितवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत अंबावती दून वैली स्कूल में माननीय विधायक हरबंश कपूर एवं पार्षद रमेश चंद काला के प्रयासों से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 प्लस के लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष विजेंद्र थपलियाल, महामंत्री संतोष कोठियाल, राज्य क्षेत्रीय वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मोना कौल, सूरज बिष्ट उपस्थित रहे। वह युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम नेगी, महामंत्री अतुल विश, सागर वर्मा और उनकी टीम के द्वारा वैक्सीनेशन का लाभ लेने वाले एवं स्वास्थ्य टीम को सैनिटाइजर, जूस, मास्क वितरित किए गए, जिसमें वार्ड अध्यक्ष राकेश बोगुणा, हर्ष यादव, मुकेश महर, राजेश पाल, दीपक ग्वाड़ी, सुनील बिष्ट, सुनील भट्ट, संजय पुंडीर, रणवीर चौहान, अंजुल उपाध्याय, क्षेत्रीय कार्यकर्ता महिपाल सिंह, मीडिया प्रभारी आदि मौजूद रहे। प्रांगण में बैठे हैं, यही प्रांगण हमारे स्कूल में अंबावती स्कूल है, जहां पर आज मेरे कार्यकाल के बाद इसमें जो जो समस्याएं थी स्कूल की संज्ञान में डाली गई। आज प्रत्येक क्लास में पूरे ड्रेनेज का कार्य भी किया गया, स्कूल में ड्रेनेज का कार्य भी किया, दीमक ट्रीटमेंट प्लान किया गया, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी वो की गई, फर्नीचर की व्यवस्था की, रंग रोगन किया गया। वार्ड से देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में एक पानी जो अपना लवली मार्केट से लेके अपना MD पब्लिक स्कूल तक एक बहुत समस्या गंभीर रहती थी, उसमें लगातार पानी भर जाता था बरसातों में। आज 3-4 दिन पूर्व भी एक बारिश आई, उसमें मैंने समीक्षा की तो रास्ते में जो लगातार हर माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय विधायक, माननीय मेयर साहब द्वारा प्रयास किया गया और प्रत्येक सड़क पे जो कट जाल, लोहे का जाल, ड्रेनेज की व्यवस्था, जहाँ ड्रेनेज नहीं जा पाया वहाँ पर 2 शॉर्ट फिट बनाए और पूर्ण तरह से पूरे वार्ड में कहीं पानी एकत्रित ना हो पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस विपरीत परिस्थितियों में भी विकास में कोई कमी ना रहे पूरा प्रयास सरकार कर रही है। एकदम से आपदा आई, समस्या आई, हम ये नहीं कहते समस्या नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी आपदा काफ़ी ये 100 सालों बाद आई, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने पूरा प्रयास करके इसकी व्यवस्था कर दी। अब धीरे धीरे कोई भी पेशेंट का फ़ोन आता है, हमको व्यवस्था चाहिए, कमरा करवाना है, तो आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और ऑक्सीजन व्यवस्था भी पूरी व्यवस्था हुई। इसमें सभी क्षेत्र, हमारे मेयर साहब, हमारे विधायक साहब लगातार निरंतर प्रयास में लग रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी दिन भर प्रयास करते हैं, लोगों से हर छोटे मोटे के विचार सुनते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि इसको, इसका समाधान हो सके और लोगों को सुविधा जन जन तक मिल सके, ये उनका उद्देश्य है। पूर्ण प्रयास कर रही है, दिन रात विधायक जी लगे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से कितना सुविधा मिल सके लोगों को, और मेडिकल संबंधित भी उनका पूरा आश्वासन है कि 2-3 माह के अंदर जहाँ पे मेडिकल की थोड़ा स्थिति कमजोर है उनको पूर्ण तरह से ठीक किया जाएगा, और ऐसी आपदा ना आए, अगर आती है तो उनकी उन्होंने पूर्ण तरह से व्यवस्था कर दी है। वैसे तो सरकार की दृष्टि से सभी जगह कैंप लगाए गए हैं अभी लगातार हॉस्पिटलों में भी, लेकिन ये व्यवस्था वार्ड वाइज हमने अपने विधायक जी से प्रार्थना करके, संपर्क करके और ये कैंप लगाए हैं, इसमें सभी लोग आ सकें, अस्वस्थ बुजुर्ग 45 साल से ऊपर का ये कोवैक्सीन की व्यवस्था हुई यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया कि कोई विकलांग, कोई अस्वस्थ है, अगर हमको फ़ोन भी कर रहा है तो हम उसको ये व्यवस्था घर जाकर भी उसको लाने की व्यवस्था करी हुई है, ताकि प्रत्येक आदमी के वैक्सीन लग जाए और वो इस बीमारी से मुक्त होने का प्रयास करवाया है। हर हफ्ते व्यवस्था की गई है मेयर साहब की तरफ से, निगम की तरफ से, हफ्ते में अगर कोई क्षेत्र किसी का बड़ा है तो 2 बार भी उन्होंने व्यवस्था की है, इतनी सैनिटाइजर, मैं कहता हूँ इतनी उचित व्यवस्था हो रही है, और प्रत्येक दिन अगर किसी का फोन आता है तो छोटी मशीन से व्यवस्था 1 घंटे के अंदर उनके घर में सैनिटाइजर भी किया जाता है। फोगिंग व्यवस्था महामारी, पिछले डेंगू की स्थिति को देख के फोगिंग व्यवस्था भी पूरी लगातार की जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था ट्रैक्टर द्वारा भी किया जा रहा है, मशीन, छोटी मशीन द्वारा भी किया जा रहा है, सफाई में कोई कमी नहीं है, सफाई मित्र जो ये लगातार साथ दे रहे हैं, पूरे ढंग से काम कर रहे हैं, और
भारतीय जनता पार्टी के जितने सिपाही हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार मैं देख रहा हूँ विपरीत परिस्थितियों में पूरा सहयोग और साथ दे रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है कि अभी कोरोना निपटा नहीं है, इसलिए इसको पूर्ण ध्यान रखे, मास्क, 2 गज की दूरी, लोगों से मिलने से दुकानों में सामान लेते हुए भी दूरी, हर चीज़ की ध्यान रखते हुए और लगातार अभी फिलहाल लगातार इसी व्यवस्था को साथ देते हुए चलना है, ये मेरा अपने क्षेत्रवासियों से अनुरोध है। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।